ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे अपने स्टेप सिस्टर से प्यार हो जाता है और उसे पाने के लिए वो किस हद तक जाता है, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है सेमलेस, जो 2012 में रिलीज हुई थी। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक लड़के को देखते है जिसका नाम टोनी था। टोनी यहाँ पर चलती ट्रेन से कूद जाता है क्योंकि उसके पास टिकट नहीं थी, पर एक लड़की उसे ऐसा करते हुए देख लेती है जिसका नाम एना था। टोनी जब घर पहुंचता है तब वो अपनी स्टेप सिस्टर से मिलता है जिसका नाम एंका था। एंका टोनी को देख कर ज्यादा खुश नहीं होती क्योंकि उन दोनों की आपस में बनती नहीं थी। जब वो दोनों बातें कर रहे थे तभी बाहर एंका का बॉयफ्रेंड उसे लेने आता है। यहाँ टोनी को पता चलता है कि एंका का एक बॉयफ्रेंड भी है, तो उसे बहुत दुख होता है क्योंकि वो बचपन से ही एंका को पसंद करता था। रात को जब एंका घर आती है तब वो अपने बॉयफ्रेंड को साथ लाती है और वो दोनों पूरी रात गपागप करते हैं। अब बेडरूम में एंका अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी, इसलिए टोनी को पूरी रात एक सोफे पे सोना पड़ता है। जब सुबह होती है तब एंड्रॉयड टोनी से अपना इंट्रोडक्शन देता है, लेकिन टोनी उसे ठीक से बात नहीं करता। फिर थोड़ी देर बाद एंका टोनी से बात करने लगती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ कितने दिन रहोगे। दरअसल एंका को टोनी का यहाँ रहना पसंद नहीं था, पर टोनी यहाँ पर कुछ नहीं बोलता। अगले दिन जब टोनी घूम रहा था तब वो वहाँ एना को देखता है, पर वो उसे बात करे बिना ही चला जाता है। यहाँ एना अपने दोस्तों को कहती है कि ये लड़का मुझे बहुत पसंद है। इसके बाद एना घर जाती है, तब वो देखती है कि उनके घर कुछ मेहमान आए थे जिसमें एक लड़का एना को घूर रहा था। यहाँ पर एंका और टोनी लंच कर रहे थे, तब टोनी उसे कहता है कि मेरे रूम में किसी का सामान पड़ा है। तब एंका कहती है कि वो एंड्रॉयड का है। फिर रात को एंड्रॉयड आके अपना सारा सामान ले जाता है और टोनी को अपना रूम मिल जाता है। अगले दिन टोनी अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, वहाँ उसका फ्रेंड उसे कहता है कि एंड्रॉयड की पहले शादी हो चुकी है और उसके दो बच्चे भी हैं। अब ये सुन के टोनी शॉक्ड हो जाता है। वो ये बात एंका को बताता है, पर एंका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एंड्रॉयड ने उसे पहले से ही बता दिया था। अब यहाँ दोनों के बीच बहस हो जाती है। एक दिन एंका को पता चलता है कि टोनी उसके कपड़े छूकर गंदे काम करता है, तो ये जानकर वो बहुत गुस्सा हो जाती है और टोनी को यहाँ से चले जाने को कहती है। लेकिन तभी घर की डोरबेल बजती है। एंका जब दरवाज़ा खोलती है तब उसके सामने एक आदमी था जो एंका को बिजली का बिल भरने को कहता है। दरअसल एंका के पास पैसों की कमी थी, इसलिए उसने कई महीनों से बिल नहीं भरा था। वो आदमी उसे लास्ट वार्निंग देता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर टोनी अपना सामान पैक करने लगता है, लेकिन एंका वहाँ आके उसे रोक लेती है क्योंकि एक बार पहले भी एंका ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था, जिस वजह से टोनी को काफ़ी कुछ सहना पड़ा था। इसलिए अब एंका नहीं चाहती थी कि उसका भाई कोई प्रॉब्लम में पड़े। यहाँ पर वो दोनों काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं और रोने लगते हैं। अगले दिन जब टोनी मार्केट जाता है तब वहाँ उसकी मुलाकात एना से होती है और वो दोनों कई देर तक बातें करते हैं। यहाँ एना टोनी से कहती है कि वो उसे बहुत पसंद करती है और उसके साथ शादी करना चाहती है, पर टोनी को लगता है कि एना मजाक कर रही है, इसलिए वो उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। टोनी जब घर आता है तब वो देखता है कि एंड्रॉयड किसी और लड़की के साथ पलंग तोड़ रहा है। ये देख के टोनी उस रूम को लॉक कर देता है और एंका के आने का वेट करता है। अब टोनी बहुत खुश हो रहा था क्योंकि एंड्रॉयड अब रंगे हाथों पकड़ा जाने वाला था। एंका जब घर आती है तो उसे एंड्रॉयड की सारी सच्चाई पता चल जाती है। एंड्रॉयड उसे समझाने की कोशिश करता है, पर एंका उस पर बहुत गुस्सा थी, इसलिए वो उससे ब्रेकअप कर लेती है। टोनी ये सब देख रहा था और उसे ये देख के बहुत मजा आ रहा था। अब कुछ दिनों बाद उनके घर की बिजली कट कर दी जाती है क्योंकि उन्होंने अभी तक बिल नहीं भरा था। अब पैसों की कमी की वजह से टोनी को जॉब करना पड़ता है। एक दिन जब टोनी काम कर रहा था तभी उसकी मुलाकात एना से होती है। यहाँ एना के पूछने पर टोनी उसे सब कुछ बता देता है कि उसे पैसों की बहुत ज़रूरत है। अब एना टोनी की मदद करने का फैसला करती है। रात को वो दोनों चोरी करते हैं और चोरी से उन्हें अच्छे पैसे मिल जाते हैं, लेकिन बिल भरने के लिए अभी भी वो पैसे कम थे। एना कहती है कि तुम टेंशन मत लो, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। इसके बाद एना अपने घर जाती है और अपने घर से कुछ पैसे चुरा के टोनी को दे देती है। टोनी उस पैसों से बिजली का बिल भरता है। फिर अगले दिन टोनी एना से मिलता है और उसे कहता है कि तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत हो तब मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अब ये सुन के एना वहाँ से चली जाती है और टोनी घर जा के लाइट आने का इंतज़ार करता है। जब लाइट आती है तो वो बहुत खुश हो जाता है। वो ये सोच के खुश होता है
कि एंका अब उस पर कभी भी गुस्सा नहीं करेगी। वो एना से मिलने उसके कमरे में जाता है जहाँ पर एंका बाथरूम में नहा रही थी। यहाँ टोनी उसे आइसक्रीम देता है और वो दोनों खाने लगते हैं। लेकिन तभी घर की डोरबेल बजती है। टोनी जब दरवाजा खोलता है तो सामने एना होती है। एना टोनी से अपने बारे में कुछ बताना चाहती थी पर टोनी उसकी बात नहीं सुनता और कहता है कि हम कल बात करेंगे। ये सुन के एना को बहुत बुरा लगता है और रोते हुए वो वहाँ से चली जाती है। टोनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो एंका को ही पाना चाहता था। अब फिर से टोनी एंका के पास जाता है और बातों बातों में वो उसके करीब जाने की कोशिश करता है, पर एंका को ये अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो टोनी को अपना भाई मानती थी। वो उस पर बहुत गुस्सा करती है और वहाँ से चली जाती है। अब रात को एंका को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि टोनी की ऐसी हरकत पर उसे बहुत बुरा फील हो रहा था, इसलिए वो उसके पास जाती है और टोनी को समझाने की कोशिश करती है। पर टोनी उसे कहता है कि मैं बचपन से ही तुमसे प्यार करता हूँ और मैंने कभी तुम्हें अपनी सिस्टर नहीं माना। अब ये सुन के एंका मान जाती है और यहाँ पर वो दोनों खपागप करते हैं। अगले दिन टोनी मार्केट जाता है जहाँ उसे एंड्रॉइड दिखता है। वो एंका के लिए एक ड्रेस खरीद रहा था। यहाँ टोनी समझ जाता है कि वो अब एंका से मिलने जा रहा है, इसलिए भागकर वो एंड्रॉइड से पहले घर पहुँचता है और घर पहुँचकर वो डोरबेल खराब कर देता है। एंड्रॉइड जब आता है तब टोनी कहता है कि एंका घर पर नहीं है, पर एंड्रॉइड को टोनी पर भरोसा नहीं होता इसलिए वो घर की डोरबेल बजाता है, पर डोरबेल तो खराब थी इसलिए एंका तक उसकी आवाज़ नहीं पहुँचती। अब थोड़ी देर वेट करने के बाद एंड्रॉइड वहाँ से चला जाता है। इसके बाद टोनी मूवी देखने के लिए दो टिकट लेता है। टिकट लेकर जब वो घर आता है तब वो यहाँ पर एंड्रॉइड को देखता है। दरअसल एंका ने उसे कॉल करके घर बुलाया था। इन दोनों को साथ देखकर टोनी को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। एंका और एंड्रॉइड के बीच अब सब कुछ ठीक हो गया था। एक बार वो दोनों एक पार्टी में जाते हैं जहाँ एंका एंड्रॉइड के बॉस के साथ डांस करने लगती है, पर वो उसे गंदे तरीके से छूने लगता है इसलिए एंका वहाँ से चली जाती है। वो ये बात एंड्रॉइड को बताती है पर एंड्रॉइड उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि उसका बॉस उसे प्रमोशन देने वाला था। इसके बाद जब एंका बाथरूम में जाती है तभी वहाँ पर एंड्रॉइड आता है। वो एंका से कहता है कि तुम्हें मेरे बॉस के साथ एक रात गुजारनी है और ऐसा करने पर वो मुझे प्रमोशन देंगे, पर एंका को ये ठीक नहीं लगता और वो गुस्सा होकर एंड्रॉइड को एक थप्पड़ मारती है और अपने घर चली जाती है। टोनी जब घर आता है तो वो देखता है कि एंका बहुत रो रही है। दूसरी तरफ एना की शादी हो रही थी जहाँ पर सभी लोग खुश थे, पर एना बहुत उदास थी क्योंकि वो टोनी से प्यार करती थी। अब शादी के बीच वहाँ कुछ गुंडे आ जाते हैं और सब कुछ तबाह कर देते हैं। इसी बीच एना वहाँ से निकलकर टोनी के पास जाती है। एना टोनी पर बहुत गुस्सा थी। वो उसे कहती है कि तुमने मेरी बात नहीं सुनी, रात को मैं तुम्हें यही कहने आई थी कि कल मेरी शादी है। अब टोनी उसे माफ़ी मांगता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, पर एना उसकी बात नहीं मानती और उसे गुड बाय किस देकर चली जाती है। इसके बाद टोनी घर जाता है, तब वो देखता है कि एंका ने उसका सामान पैक करके रखा है। एंका टोनी को वहाँ से चले जाने को कहती है तो टोनी वहाँ से चला जाता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।